आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बीएससी पार्ट वन मैथ ऑनर्स या सब्सिडरी में मैट्रिक्स अलजेब्रा में हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। समझ गए क्या स्टार्ट करेंगे? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होता है आइए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स इफ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट्स ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। A matrix is said to be complex matrix if all of its elements are complex number. Generally, complex matrix is denoted by J. Generally, complex matrix is denoted by J. And every complex matrix Z can be put in the form P plus IQ where P and Q are real matrices, दिख रहा है पूरा real matrices। क्या लिखे? A matrix is said to be complex matrix if all of its elements are complex number। यानी कि अभी तक जो हम लोग matrix पढ़े हैं ना वो हम लोग किसके लिए पढ़े हैं? real number के लिए। समझ गए किसके लिए पढ़े हम लोग? रियल नंबर के लिए। लेकिन यदि मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स है यदि वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। और इसको प्रायः हम लोग किससे डिनोट करते हैं? जेड से। और क्या है? एवरी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स जेड कैन बी पुट इन द फॉर्म पी प्लस आई क्यू। किसी भी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स को हम लोग पी प्लस आई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर पी और क्यू आपका रियल मैट्रिक्स है। समझ गए? P और Q आपका रियल मैट्रिक्स है। एक एग्जांपल से समझिए, एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिएगा कि Z बराबर है आपका 2 plus 3i, 4 plus 5i, 6 plus 7i, 8 plus 9i। समझ गए? इस प्रकार से दो आपका, इस प्रकार से एक आपका मैट्रिक्स है। देख लीजिए इसका सारा सदस्य, सारा एलिमेंट क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। समझ गए? सारा एलिमेंट इसका कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखिएगा तो 2, 4, 6, 8 प्लस 3i, 5i, 7i, 9 इतना हम लोग लिख सकते हैं। यदि इतना लिख सकते हैं तो z बराबर 2, 4, 6, 8 और ये i सम में कॉमन है, i सम में कॉमन है तो इसको बाहर ले लीजिए, बाहर ले लीजिए 3, 5, 7, 9 क्या हो गया? ये 3, 5, 7, 9 कहने का मतलब है z बराबर p प्लस आई क्यू हो गया ना, जहां पर p बराबर कितना? 2, 4, 6, 8 एंड q बराबर कितना है? तो 3, 5, 7, 9 और ये दोनों ही आपका रियल मैट्रिक्स है। इसमें आई नहीं ना, ये दोनों ही आपका रियल मैट्रिक्स है, रियल मैट्रिक्स। समझ गए? ये आपका क्या है? ये आपका रियल मैट्रिक्स है। ठीक, क्लियर? चलिए इसको लिखिए फिर और बताते हैं। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। आइए इसको डिफाइन करते हैं।
let Z be a complex matrix, then conjugate of Z is denoted by Z bar, and it can be obtained. It can be obtained by replacing all elements of Z by its complex conjugate. क्या लिखे कि आपका Z कोई एक मैट्रिक्स है बल्कि एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, तो इसके कंजुगेट को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं? Z बार से. और इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इसको प्राप्त किया जा सकता है एंड इट कैन बी ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ Z बाय इट्स कॉम्प्लेक्स कंजुगेट. यानी कि उसके सदस्य का जो है ना, हम लोग कंजुगेट निकाल लेंगे. जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा इसका सदस्य, उसका क्या निकालेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर. तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स. एक एग्जांपल से समझिए, ज्यादा समझ में आएगा. मान लीजिए कि Z बराबर है आपका 2+3i, 4-5i, 0+2i. समझ गए? 0+2i और आपका है 2+0i. यह आपका एक मैट्रिक्स है. समझ गए? यह आपका एक क्या है? मैट्रिक्स है. यह आपका क्या है? एक मैट्रिक्स है. इसको एक्चुअल में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2+3i, यहाँ पर 2i, यहाँ पर 4-5i और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 से गुना है ना, तो 0 से गुना है तो आपका फर्क नहीं पड़ेगा. तो Z बार कैसे निकालिएगा? Z बार अंदर के जितना भी सदस्य है ना, उसका बार ले लीजिए. क्या ले लीजिए? बार, यानी कि कंजुगेट ले लीजिए. कंजुगेट लेने से क्या होता है? प्लस आई रहेगा तो माइनस आई, और माइनस आई रहेगा तो प्लस आई, इन होता है. यानी कि देखिए, यहाँ पर 2+3i है तो 2-3i हो जाएगा, 0+2i है तो 0-2i हो जाएगा, 4-5 है तो 4+5i हो जाएगा, और 2+0i है तो 2-0i. कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि 2-3i -2i, 4+5i और आपका क्या हो गया? आपका हो गया 2. आपका क्या हो गया? 2. कहने का मतलब एक चीज देखिए ना, कि i को माइनस i से रिप्लेस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स. लेकिन रियल नंबर पे फर्क नहीं पड़ता है. जैसे देखिए, यहाँ पर हम 2-2+0i लिखे थे, अल्टीमेटली फाइनली क्या था? 2 था ना. अकेला रियल नंबर रहा है तो देखिएगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा. फर्क हमेशा किस पे पड़ता है? कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब जिसमें आई वाला पोर्शन, जिसमें आई वाला पोर्शन हो, उसी से आपको क्या होता है? फर्क पड़ता है. यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं? मान लीजिए कि जेड बराबर जेड आई जे एम क्रॉस एन, यह आपका एक मैट्रिक्स है. समझ गए? तो इसके कंजुगेट को कैसे लिखिएगा? इसके कंजुगेट को कैसे लिखिएगा? Z बार. समझ गए? कैसे लिखेगा Z बार? यानी कि Z I Z M क्रॉस N, और इस पे क्या लगा दीजिएगा? बार. हर एक सदस्य का बार निकलेगा, यानी कि हर एक सदस्य का क्या निकलेगा? कंजुगेट. हर एक सदस्य का क्या निकलेगा? कंजुगेट निकल जाएगा. समझ गए? तो यही आपका क्या कहलाएगा? आपका कहलाएगा कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, वेयर जेड आई जे बार इज कंजुगेट. हाँ, कॉम्प्लेक्स लिखेगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट. कंजुगेट कॉम्प्लेक्स मत लिखे,
कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ जेड आई जे, जेड आई जे बार जो है आपका जेड आई जे का क्या है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। ठीक, नोट में एक चीज लिखिएगा, नोट में इफ इफ ए बी ए रियल मैट्रिक्स, यदि ए आपका कोई एक रियल मैट्रिक्स है, देन ए बार बराबर क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। यदि रियल मैट्रिक्स है ना, तो ए बार किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर। वो इसीलिए क्योंकि देखिए तो रियल नंबर पे फर्क नहीं पड़ा, रियल नंबर पे फर्क नहीं पड़ता है, उसी प्रकार से रियल मैट्रिक्स रहेगा तो इसमें आई तो आई भी नहीं करेगा, जब आई नहीं आएगा उसका बार निकालिएगा तो फर्क पड़ेगा, फर्क आपका नहीं पड़ेगा। ठीक, ये सब आपका ऑब्जेक्टिव में काम आएगा।